कराची के इलाके गोल्डन टाउन से लापता दुआ जहरा लाहौर से मिली या नहीं, मामला उलझ गया। कराची पुलिस ने मिलने की खबर दी, बताया दुआ ने 17 अप्रैल को जहीर नामी शख्स से निकाह किया। लाहौर पुलिस ने लड़की मिलने की तरदीद कर दी। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद कहते हैं दुआ का निकाहनामा कराची पुलिस ने फराहम किया। निकाहनामे पर एड्रेस की मदद से लड़की को तलाश कर रहे हैं। दुआ के वालिद ने भी कह दिया बेटी अभी तक नहीं मिली, पुलिस बाजियाब करवाए। सऊदाबाद से लापता निमरा कासमी ने भी डेरा काजी खान में नजीब शाह नामी लड़के से निकाह कर लिया। समा ने निकाहनामा और अदालती दस्तावेजात हासिल कर ली। निमरा के वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। पीटीआई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का सिंगल बेंच का ऑर्डर मौतल। अदालत ने करार दिया इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसे कोई डायरेक्शन जारी नहीं की जा सकती। पीटीआई की 17 जमातों से बराबर के सुलूक की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। और आईएमएफ से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के असरात, इंटर बैंक में डॉलर 70 पैसे सस्ता होकर 186 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 100 इंडेक्स 520 पॉइंट्स इजाफे के साथ 46,073 पर बंद हुआ।